कोई नहीं है मेरे साथ, बिल्कुल अकेला हूँ मैं। और मेरे पीछे ये देखो भाई, चिता जला लग रही। सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं CHOP के व्लॉग। और इन तीनों को देख लो कैसे घूम रहे हैं। यहाँ एल्फो को भी थोड़ी देर में एक्सरसाइज करवाने के लिए ले जाने वाले हैं। ऊपर लूसी बैठी, दोनों को खाट पर से नीचे उतार रखा, अपने आप खाट पर बैठ के खाना खा रही। अभी तक एल्फो को कोई खाना पीना नहीं खिलाया, अभी से लेके चलेंगे, पानी पिलाते हैं अभी से। ये था सके इसके रोटी, लूसी के आगे से किसी की हिम्मत नहीं है रोटी उठाने की, चाहे वो कोई भी हो मेरे अलावा। दोनों खड़े हो गए इसे ही देख रहे हैं कि कुछ मिलेगा खाने पीने का। रानी को कोई जरूरत नहीं है दूसरे से खाना मांगने का, अपने आप ही ले लिया। इसका स्टाइल अलग है। कल की मम्मी की तबीयत खराब हो रही, डॉक्टर साहब आ गए, कर लो की मम्मी को ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी कल लो की मम्मी के लिए, तो वो दवाई लेने के लिए चलते हैं। और लूसी ये देख लो कितनी मजाक करे इनके साथ भी, और एल्फा भी जाली मजाक करने के लिए, बट एल्फा ना साइलेंट रहे, कुछ भरोसा नहीं है इसका। लेकिन अरे इतना भी डर नहीं है, इतनी गड़बड़ नहीं करता है। जो कोई इससे लड़ करे उससे दुगना लड़ करे, जो कोई इससे नफरत करे फिर भी नफरत करे। इंजेक्शन लेकर तो आ गया, लेकिन लूसी को ये भी चेक करना कि इंजेक्शन कौन कौन से है जो लो की मम्मी का लगेंगे। एल्फा को कोई जरूरत नहीं, एल्फा तो आराम से ही लेट रहा। लो की मम्मी के इंजेक्शनों की हालत देखो क्या कर दी लूसी ने, इनके साथ भी चीर फाड़ कर दी। मैं कोई ऐसा सामान नहीं छोड़ दी जो सही सलामत रह जा, सब गाड़ी वाड़ी सब तोड़ फोड़ रखी। और गाय जब स्कूल में जाएगा ना ड्रामेबाजी करने लगा स्कूल में जाने के लिए, पहले तो अपने आप रेडी हो ले स्कूल में चल ले। इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं दुआने का जो अगर स्कूल में नहीं जा, ड्रामे भर के लेट गया। जैसे अल्फा लेट जावा ना एक्सरसाइज के बाद, ऐसे ही हाँ ड्रामे भर के यू लौट गया स्कूल में। चल रेडी हो ले जी, मैंने कह दिया पिटाई कर दूंगा, चलता नहीं स्कूल में। कौन सी बात आया? हाँ बीबी छोटी दुआ माँ, चल चलो स्कूल में। हाँ हाँ स्कूल में चलो, जल्दी जल्दी चलो स्कूल में। गाइस पहले एल्फा की एक्सरसाइज करवा के ले आऊं, फिर इसके बाद में क्लास ले माँ, क्योंकि अपना टाइम हो रहा बढ़िया से, हम रोज एल्फा को लेके चले। एल्फा और भाई कैसे हो, कहाँ से हो? हमारे गाँव में थे, हमारा काम है थारा काम है कर चला काम। जब हेल्प के लिए मेरे हाथ में कुछ है, और ये ना इसके लालच में आ रहा पूरा, इसके साथ लालच लालच खेलते हैं और इसे लेके चलते हैं बाइक पे बैठा के। चलो जी चलते हैं ऊपर जल्दी भाई। वाह गाइस आज हेल्प अपने आप ही ऊपर आ गया, और ये कह रहा कि बैठा ले बस जल्दी। गाइस अभी आगे ट्रैक पे पेट्रोल खत्म हो गया इसका। गाय जब एक पॉपट हो गया, ऐसा लग रहा कि या तो बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया हो या बाइक में कोई दिक्कत ही होगी। एल्फा को नीचे उतारना पड़ेगा तब पता लगेगा। एल्फा चलो नीचे। पेट्रोल खत्म हो गया था बाइक में, पेट्रोल डलवा के लाया, चौंक उठा के ले गया जैसे तैसे करके। एल्फा तो बिल्कुल रेडी है, हल्का हल्का इसका वार्म अप करवा दिया, और अब करवाते हैं इसकी असली वाली रनिंग। एल्फा की सही वाली रनिंग होगी आज ना, इसका दूसरे दिन है, थोड़ा सा शरीर अकड़ रहा होगा इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था भागने में, बट कोई बात नहीं धीरे धीरे करके अपनी रनिंग पूरी कर ली। आज अगर एल्फा इंसान होता यहाँ इतने सारे एक्सरसाइज के लगे हुए हैं तो इन पे बैठकर आराम से एक्सरसाइज करता, लेकिन एल्फा तो एल्फा को लेके घर आ गए। अभी इसे सबसे पहले रखता हूँ पानी, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है। जब तक जब इतनी एक्सरसाइज करेगा तो पानी पीने से इसके शरीर में ना पानी का लेवल बिल्कुल सही रहेगा। गाइस अभी जब एक्सरसाइज करेगा उसके बाद ना मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, थका हारा रहा है और लूसी से परेशान करे इस वजह से इसे ऊपर ही सेट कर दिया। ये भी अल्फा का खाना रेडी हो गया, अब दही के अंदर ये मिलाता हूँ फीड। खाने में पीकू ने मुंह मार लिया, पीकू ने खाना खा लिया जबकि पिछोले, अब ये उसकी स्पेशल डाइट है। और गाइस इसके अंदर थोड़े से बादाम भी डाल दूं क्योंकि ये भी भाई उसे बढ़िया लगे, इसमें मल्टीविटामिन वगैरह भी डाल दिया। और गाइस आज इसकी दोपहर की डाइट में पनीर रखेंगे, कल पनीर नहीं मिला था इसे। ये भी अल्फा के लिए पनीर लेकर आया हूं, दोपहर की डाइट में से पनीर दूंगा, ये देखते हैं अल्फा पनीर खाएगा। अब रुक रहा पनीर है, पनीर है, रुक जा आराम से, अब रुक जा खा लिया इसने पनीर, तो चलो इसको ये सारा पनीर रखता हूं। आज अगर एक्सरसाइज बढ़िया है तो डाइट भी बढ़िया होनी चाहिए। क्या है आज भी वो अपनी मम्मी और दादी के लिए समोसा लेकर आया, लेकिन अपने आप ही पन्नी में काट के खाना शुरू कर दिया। इधर लूसी भी बैठी कि मुझे भी मिल जाए समोसा, लेकिन लूसी के सामने पूरी पन्नी पड़ी थी, उसमें से इसने एक भी समोसा नहीं खाया। गाय जब रेस्क्यू डॉग के पास आया था खाना पीना खिलाने के लिए, अभी पानी भर के लाया, खाना तो खा लिया, पानी जैसे रखा घुरा लगा, सेवा कर रहे थे तो वहां घुरा रहा। अबे साले खतरनाक लड़का है। गाय जब भी शाम हो गया तो एल्फो को लेके चलते हैं। एल्फो को लेके जा रहा हूं मैं, तुम नंदू यहीं रहो। एल्फो एक्सरसाइज करने के लिए शाम के टाइम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा, अपने आप ही भागे लग रहा। इधर कबड्डी का गेम चल रहा, टाइगर तो पहले स्विमिंग करने लग रहा। वेरी गुड वेरी गुड, आजा 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 ऊपर आजा आजा। और गाय एल्फो कमर के बाल क्यों खड़े कर रहा, अब ओए कुछ खुरापात नहीं करनी। गाय ये देख लो यहाँ से बाल खड़े होने स्टार्ट हो गए, और ऐसे 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 यहाँ तक कमर के बाल खड़े हो। मैं सोच रहा कि आज इसकी स्विमिंग करवाऊँ या फिर आज इसकी क्लाइंबिंग करवाऊँ। गाय जब नहर में तो छोड़ दिया, अब देखते हैं ऊपर चढ़ जाएगा। एल्फो कम ऑन कम ऑन एल्फो कम ऑन आजा कम 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 कम। गाइस कोशिश करो ऊपर आने की। ओह भाई
ओए 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 पूरी कोशिश कर रहा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओ भाई चढ़ गया यार चढ़ गया, वह टाइगर भी चढ़ गया। वाली दीवार थोड़ी ऊंची है, ये कोशिश कर रहा आने के ऊपर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन अल्फा कम ऑन। क्लाइंबिंग वाली एक्सरसाइज तो करवा ली, अब थोड़ी इसकी ग्रिप वाली एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, थोड़ी देर इसकी ग्रिप लगवाऊंगा। और मैं ना भाई अकेला ही हूँ आज, थकने वाला हूँ मैं पूरा। और अल्फा ये देख लो कितना एक्साइटेड हो रहा है ग्रिप लगाने के लिए। आज अपने मिनी जू में जाल लगने का काम स्टार्ट हो गया, तो ये जाल लग जाएगा और उसके बाद ना इसके अंदर रह सकते हैं वो। गाय जाल पर खाना रेडी कर दिया, आज दही चावल और साथ में मल्टीविटामिन टैबलेट्स और ये थोड़ा सा फीड। ओए रुक जा अल्फा, रुक जा, मिलेगा मिलेगा भाई मिलेगा, अबे तेरे लिए आए खाना। गाइस पूरी रात हो रही है और अभी आ गया हूं रेस्क्यू वाले डॉग को खाना देने के लिए। पीछे चेक करो भाई, चिता जलन लग रही भाई अपना कंप्यूटर, अबे खाना खा। और अभी मैं इसके लिए बर्तन में पानी भी लेके आ जाऊं। इतनी रात हो रही, शमशान घाट में चिता भी जल रही और साथ में पीकू है, मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ, बिल्कुल अकेला हूं मैं। और मेरे पीछे ये देखो भाई चिता जलन लग रही, इसे पानी और खाना रख दिया, अब चलते हैं भाई घर। और मैं ना बिल्कुल अकेला हूँ यार शमशान घाट के अंदर, और ये देख लो आज तो चिता भी जल रही और रात के लगभग 9:30 बज रहे होंगे अभी, तो चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। ओए पीकू आ जाओ रे, पीकू इधर आ बाके। रात का टाइम हो रहा था, देसी कुत्तों के गैंग ने इसके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन हमले में क्या हुआ, ये ना भाई इनके इलाके में घुस गया और इन्हें ना वन तक ही खदेड़ का आया भीतर तक ही, और अपना सब दूर दूर खड़े होकर भौंक रहे हैं। और पीकू, ओए पीकू नो, पीकू नो, पीकू वापस वापस आ जा।